आज मैंने लंच में चावल और दाल तो बना लिया, लेकिन इसके साथ में क्या बनाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पास भिंडी थी तो मैंने सोचा भिंडी से ही कुछ बनाते हैं। भिंडी में आलू मिला करके आलू और भिंडी की एक भुजिया बनाई। इस भुजिया को बच्चों के लंच में मैं सप्ताह में एक बार जरूर देती हूँ। बिजीज किचन में आपका स्वागत है और चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू और भिंडी की सूखी सब्जी। यहाँ पर हमने लगभग 250 ग्राम भिंडी को अच्छे तरीके से धो करके पोंछ लिया है। साथ ही लिया है एक आलू और एक प्याज। भिंडी के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को काट कर अलग कर देते हैं। बीच वाले हिस्से को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। भिंडी हमारी कट चुकी है। आलू को छील कर धो कर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इसी तरह से प्याज को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। गैस ऑन करके इसके ऊपर रखते हैं पैन। भिंडी भुजिया बनाने के लिए हमेशा सरसों तेल का इस्तेमाल करें, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्ची, जिसे इस तरह से बीच से काट लिया है। जीरा और मिर्ची जब चटक जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे कटे हुए प्याज। प्याज को यहाँ पर हम ज्यादा नहीं भूनेंगे, क्योंकि हमें इसे आलू और भिंडी के साथ भी पकाना है। प्याज जब हल्की सी भुन जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे आलू। आलू सुनहरी हो चुकी है तो इसमें हम ऐड करेंगे कटी हुई भिंडी। भिंडी जल्दी पक जाती है, इसीलिए आलू को थोड़ा सा पकने दें। इसी के बाद इसमें भिंडी ऐड करें। भिंडी डालते ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर। इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करके गैस का फ्लेम मीडियम करके हमें इसे भूनना है। भिंडी के भुजिया को हम ढकते नहीं है, इससे भिंडी चिपचिपी हो जाती है। आलू को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। 5 से 7 मिनट में आलू अच्छे तरीके से पक जाते हैं। आलू और भिंडी जब अच्छी तरीके से पक जाए तो धनिया पत्ता डाल करके इसे सर्व करें। आज मैं इस भुजिया को चावल दाल के साथ सर्व करूंगी। आप अपने घर में जरूर इस आलू और भिंडी के भुजिया को बनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही आप अपने इसे फ्रेंड और फैमिली में शेयर भी करें। थैंक यू।